नाजिम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल टाउन नाजमीन नायब नाजमीन यूसी नाजमीन एम के के मरकज 90 पहुँचे तो कारकुनों ने उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर अनीस अहमद कायम खानी ने कहा है कि एमकेएम वो वाहिद जमात है जो अपने नुमाइंदों का कड़ा एहतसाब करती है। अगर मुल्क की बागडोर ऐसे नुमाइंदों के हाथ में हो तो मुल्क करप्शन से पाक हो जाएगा। तमाम लोगों ने दिन रात मेहनत कर ये साबित कर दिया कि अल्ताफ भाई के कारकुन किस तरह होते हैं। अगर उन्हें आज सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर उन्हें मौका दिया गया तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी दी गई तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का भी नक्शा बदल देंगे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के कारकुनों ने मौजूदा 4 साल बलदियाती दौर का सफर 4 साल कबल जिस जगह से शुरू किया था, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसी जगह आकर अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि कराची में जो तरक्की हुई है वो बारिश का पहला कतरा है। अल्ताफ भाई के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए अल्ताफ भाई ने जो वादा आवाम से अल्ताफ भाई ने किया था, उस वादे को अल्ताफ भाई के लिए पूरा करने के लिए हमने भाई के फलसफे पे अमल करते हुए हमने खिदमत की है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल और टाउन नाजमीन ने यासिनाबाद में शोदाए कब्रस्तान में अल्ताफ हुसैन के भाई नासिर हुसैन और भतीजा आरिफ हुसैन और एमकेएम के कारकुनों की कब्रों पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कैमरामैन मोहम्मद खान के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़, कराची।